हजूर, पिछले कारवां सराय में शोहरत के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी और मैंने ये अर्ज़ किया था कि क्या शोहरत कीकर की देसी शराब की तरह यकदम दिमाग को चढ़ जाती, साथ में आसमान तक पहुंचा देती है और फिर पटक देती है उसी तेज़ी के साथ, और इंसान को तब होश आती है जब वो गुमनामी के गार में पड़ा करा रहा होता है। खवातीन हज़रात, इस सिलसिले में मैंने ये भी अर्ज़ किया था कि सवाल ये है कि शोहरत एक देवी है या डाइन। मेरा ख्याल दोनों की आमेजिश है। मैं आपको एक दास्तान सुनाता हूँ और दास्तान लिखी होमर ने, 3000 साल पेशतर, ग्रीस में शायर था, कहा जाता कि नाबीना था और गली गली गाता फिरता था। कुछ लोग कहते हैं कि वो था ही नहीं, इससे हमें कोई गर्व नहीं। उसके दो क्लासिक जो हैं रजमीय उनको कह लें, बड़े मतलब जिस तरह अरब में भी रजमीय लिखे जाते थे, हमारे यहाँ भी उसको वार कहते हैं, पंजाबी में वारें लिखी जाती हैं, जंगों की कहानियाँ होती हैं, एक एलियट और दूसरा ओडेसे। ओडेसे का तर्जुमा मोहम्मद सलीम और रहमान ने किया जहांगर्द की वापसी के नाम से, बहुत अच्छा तर्जुमा है, आप ज़रूर देखिएगा। तो उसमें ओडेसे में एक नौजवान निकलता है सुनहरी खाल की तलाश में, गोल्डन फ्लीस, जो कुछ जादुई कैफियत रखती है और बड़ी अनका चीज़ है और किसी को मिलते नहीं, और जब किसी को मिल जाए तो उसकी किस्मत खुल जाती। चुनाचे वो एक जहाज़ पर सवार होकर, जो यूनानी समंदर है, आयोनी जिनको कहा जाता है, अपने साथियों समेत वो सफ़र करता है उस खाल की तलाश में। और उस सफ़र के दौरान, बहरी सफ़र के दौरान, बहुत सारी बलाएँ समंदर से निकलती हैं, उनमें साइक्लोप्स भी होते हैं, और साइक्लोप्स जो हैं वो एक आँख के जिन होते हैं, इसी तरह और उनके साथ मुकाबला करते करते बिल आखिर सबसे ख़तरनाक मरहला जो आता है वो ये है कि रास्ते में एक जजीरा है, और जजीरा उसको कुछ लोग लोटस आइलैंड भी कहते हैं, और जितने भी जहाज़रान उस जजीरे के करीब से गुज़रते हैं तो वहाँ जजीरे पर बहुत ही खूबसूरत औरतें रहती हैं जिनको वो साइरन्स लिखता है, और वो ऐसे मद भरे गीत गाती हैं कि जो भी सुनता है वो मशहूर हो जाता है, और अपनी किश्ती से, ये जहाज़ से छलांग लगाकर तैरता हुआ उस जजीरे तक पहुँच जाता है, फिर वापस नहीं आता। तो जब ओडेसियस जो है उस जजीरे के करीब पहुँचता है तो वो अपने जो साथी जहाज़रान हैं उनके कानों में मोम पिघला देता है ताकि उनके कान बंद हो जाएं और वो गीत सुन ना सकें, लेकिन वो चाहता है कि मैं खुद सुनूं तो सही कि उसमें क्या सहर है। तो वो अपने साथियों को कहता है कि मुझे जहाज़ के मस्तौल से बांध दो रस्सों के साथ और मैं सुनूंगा, लेकिन मैं जो कुछ कहूं तुमने अमल नहीं करना, अगर मैं कहूं कि मुझे जाने दो तुमने जाने नहीं देना। तो ऐसा ही होता है कि जब जजीरा करीब आता है जहाज़रानों को तो कुछ नहीं होता, और जब वो गीत शुरू होते हैं तो ओडेसियस जो है वो बेचैन हो जाता है और वो रस्सा तोड़ाना चाहता है और वो चाहता है कि मैं चला जाऊँ, और इस तरह वो बच जाता है क्योंकि उसके साथी वो रस्से खोलते नहीं। वहाँ उस आइलैंड में जहाँ पे कह लें कि देवियाँ रहती हैं, ये साइरन्स रहती हैं, वो ऐसे लोगों से भरा हुआ हुआ, ख़ास तौर पे मलाहों से, उनकी लाशों से, जो उन गीतों के शहर में वहाँ चले आए थे। चुनाचे ये कहा जा सकता है कि शोहरत भी एक ऐसी साइरन है, एक ऐसी देवी है जिसके मद भरे गीत सुन के आप जाते हैं लेकिन आपका अंजाम अच्छा नहीं होता। शोहरत के हवाले से ही अगर मैं एक ज़ाती तजर्बे से आगाज़ करूं, मुमताज़ मुफ्ती साहब को आप जानते हैं, अलख नगरी और अलीपुर का अली और लबैक, बहुत मशहूर उनकी किताबें हैं, अफसाना भी बहुत ही शानदार लिखते थे, आखिरी उम्र तक अफसाने लिखते रहे। उनके आखिरी अफसानों में चूहा एक बहुत फेमस अफसाना है। तो मैं उन दिनों इस्लामाबाद में था और मॉर्निंग ट्रांसमिशन करता था और कुछ ज़रूरत से ज़्यादा पॉपुलर था। मुसलसल दो साल जो वहाँ पे वो होते हैं पोल्स वगैरह, उनमें मैंने टॉप किया है द मोस्ट पॉपुलर पर्सन इन पाकिस्तान वगैरह वगैरह। ये वो ज़माने थे, एक लिटरेरी फंक्शन था, मैं फारिग हुआ, बहुत सारे लोग आ गए और वो ऑटोग्राफ और तस्वीरें वो सारा कुछ, और मैंने देखा कि मुफ्ती साहब बड़े गौर से देख रहे हैं। वो जब हजूम छट गया तो मेरे पास आए, कहने लगे तारण
ये शोहरत तुम्हें खा जाएगी, तो मीडिया छोड़ दो। तुम्हारे अंदर सलाहियत है एक बड़ा अदीब बनने की, लेकिन तुम नहीं बनोगे क्योंकि ये शोहरत जो है तुम्हें खा जाएगी। तो मैंने उनसे अर्ज़ किया, मैंने कहा मुफ्ती साहब मैं हल्फिया बयान करता हूँ कि मैंने इस शोहरत को कभी सीरियसली नहीं लिया। मैं जानता हूँ कि ये एक आर्जी चीज़ है, मैं इसे इंजॉय ज़रूर करता हूँ और मीडिया में इसलिए नहीं छोड़ सकता कि ये मेरी ज़िंदगी है और सिर्फ किताबें लिखने से घर का खर्च पूरा नहीं होता। कहने लगे नहीं, मीडिया नहीं छोड़ोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। उसके बाद जहाँ मैं जाता वो मुँह दूसरी तरफ मोड़ लेते। 6 माह तक यही सिलसिला जारी रहा। फिर एक रोज़ उनका एक ख़त आया मुझे, वो मेरे पास अभी तक महफूज है। उन्होंने ऊपर मेरा नाम लिखा और नीचे जो पहला लफ्ज़ था उन्होंने लिखा था, फिकरा जो था कि मैंने झूठ कहा था कि शोहरत तुम्हें खा जाएगी। उसके आगे कुछ तौसीफी फिक्रे थे, लेकिन उसके आगे आखिर में बड़ा एक रेलेवेंट रेफरेंस था। उन्होंने अपने किसी दोस्त का हवाला दिया, उनका देखो उसको शोहरत खा गई और वो एक बहुत बड़ा अदीब बन सकता था, और अब ये मैं कोट कर रहा हूँ मुफ्ती साहब को, अब वो शोहरत की राख पर बैठा हुआ पल फड़फड़ा रहा है और उसके हिस्से में राख के सिवा कुछ नहीं आया। ये मुफ्ती साहब की बात। तो अदीबों का सिलसिला चल निकले तो मुझे याद आते हैं हफीज जलंधरी साहब, माशाल्लाह हमारे कौमी तराने के खालिक। तो हम भी उनके मदाहीन में शामिल थे और आप जानते हैं कि बहुत ज़बरदस्त शायर थे, नज़्म गो भी थे। अभी तो मैं जवान हूँ, हम उसके शहर में थे। शाहनामा इस्लाम भी उन्होंने लिखा और उस ज़माने में शाहनामा बहुत पॉपुलर था। अब उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं जाती, बल्कि मंटो साहब और इनके दोस्ती थी, हम असर थे। तो हफीज़ साहब छेड़ते थे मंटो को कि ओए तू की गंदी गंदी कहानियाँ लिखना है, की कहानियाँ लिखना है, वो इस तरह बोलते। तो एक रोज़ तू पढ़िया मेरा शाहनामा, तो एक रोज़ मंटो ने कहा, और मंटो आपको जानते हैं मंटो ही था ना, कहने का हफीज़ मैंने वो शाहनामा पढ़ा है, उसमें एक शेर ऐसा आया है कि भाई उसमें जो फलसफियाना गहराई है मैं तो उस तक नहीं पहुँच सका। भाई क्या बात है, कोई अजीब आसमानी चीज़ है, तो मैं कुछ बताओगे उसका मतलब? हफीज़ साहब तैयार हो गए ना, बड़ा सीरियस मूड, कहने लगा केड़ा शेर है? मंटो साहब कहने लगे ये लड़का जो के बैठा है, ये लड़की जो के बैठी है, ये पैगंबर का बेटा है, ये पैगंबर की बेटी है। कहने लगा बड़ा मुश्किल शेर। उसके बाद जो हफीज़ साहब ने कहा वो मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकता, लेकिन बहरतार मेरी जो पहली मुलाकात हुई हफीज़ साहब से वो सैयारा डाइजेस्ट के दफ्तर में मकबूल जहांगीर के, उनकी दोस्ती थी आपस में। तो जाहिर है मैं मद्दाहों में शामिल था, मुअद्दब होकर बैठ गया। तो मुझे याद है कि उन्होंने, मैंने तारीफ़ की कि अभी तो मैं जवान हूँ जनाब, कमाल की नज़्म है। तो कहने के नहीं, ये मलका पुखराज ने अच्छी नहीं गाई, मैंने जिस तरह कहा था ना उस तरह गाती वो बहुत बेहतर। फिर उन्होंने गा के सुनाई जो धुन उन्होंने पेश की, क्योंकि तरन्नम उनका बहुत अच्छा था, लेकिन तब तक बहुत बूढ़े हो चुके थे। चुनांचे एक अजीब सा समा पैदा हो गया। तो आखिर में अब मैं भी ना रह सका, मैंने कहा जी हफीज़ साहब शुक्र है कि मलका ने पुखराज ने इस तरह नहीं गाया जिस तरह आप गा रहे हैं। और फिर वो खफा हो गए, खफा भी बड़ी जल्दी होते थे। एक दफ़ा और खफा हुए थे, एक दफ़ा बूट खरीदने गए अनारकली गई, और ज़ाहिर है कि बहुत मशहूर थे, एवरीबडी न्यू है, पूरे सब कॉन्टिनेंट में उनकी शोहरत थी, और वो एक्सपेक्ट करते थे कि हर एक आदमी जो है वो मुझे पहचाने। तो वो बूट वाला जो था उसने नॉर्मल जिस तरह ग्राहक को, मतलब के हमें भी है आदत, हमें भी कोई अगर हम कहीं जाएं तो हम एक्सपेक्ट थोड़ा सा तो करते हैं ना कि भाई ये जानता होगा। तो इस तरह हफीज़ साहब तो बहुत ऊपर वाले दर्जे पे थे। तो जब उसने नहीं पहचाना उनको, तो उन्होंने कहने लगे कि ओए तू मैंने पहचाना नहीं? उन्होंने कहा नहीं, मैं हफीज जलंधरी हाँ। वो दुकानदार उठ खड़ा हुआ, आगे तो आगोश में लेके कहा लो जी मैं भी जलंधर का हूँ, बड़े अरसे से कोई जलंधरी बंदा नहीं मिला था। जाहिर है कि हफीज साहब उससे भी खफा हो गए। तो ये सिलसिले हैं कि भाई शोहरत जो है ना वो ख़राब करती है, चौड़ कर देती थोड़ा सा। आपको शायद याद हो गए एक मेरा सीरीज था, नहीं भी याद तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ, ना भी देखा हुआ, खैर बड़ी मतलब पुरानी बातें मेरे पास हैं ही, पुरानी बातें 83 ईयर्स ओल्ड बंदा हो तो उसके पास पुरानी बातें होंगी ना, मॉडर्न कहाँ से आएंगे।
तो उस सीरीज़ का नाम था एक हकीकत एक अफसाना। रियाज बटालवी साहब मशरक में काम करते थे तो मुख्तलिफ मौजूदात के ऊपर कॉलम लिखते थे, फीचर बल्कि, और बड़े ज़बरदस्त फीचर थे, वो बहुत पॉपुलर थे। उनको बेस बना के तो वो टेलीविज़न सीरीज़ तैयार की गई, मुख्तलिफ ड्रामा निगारों ने उसे लिखा और मुझे उसके जो मरकज़ी किरदार है सहावी का, अमजद का, वो सौंपा गया। तो पहला ड्रामा जो था मैं पागल हूँ कमर आफ्ताब ने किया, तो वो तो खैर बड़ा अच्छा गया। दूसरे ड्रामे में उन्होंने देखा कि मैं ज़रा आलूफ हूँ क्योंकि मैं अकेला होता, उन्होंने एक एडिटर उसमें डाला एक एपिसोड के लिए, और वो थोड़ा सा मकबूतुल आवाज, और ये थे निसार कादरी। तो निसार कादरी ने अपना एक ख़ास अंदाज बनाया, कुछ हमने कंट्रीब्यूट किया, कुछ कंवर ने, और बहुत अच्छा कैरेक्टर उसने किया। तो मैंने रिक्वेस्ट की कि जी इसे आइंदा एपिसोड में भी रखें, क्योंकि मैं सीरियस रहता हूँ और ये इस तरह मस्करियाँ करता रहेगा तो ये अच्छा लगेगा। चुनाचे उसने अदा किया और हक अदा कर दिया। अब निसार को वो जो शोहरत मिली तो वो बड़ी अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि छोटे मोटे रोल तो वो करता ही था, ये बहुत बड़ा रोल था। कहा यह जाता है कि कराची के एक होटल में मसूफ अक्सर बैठते थे, वेटर्स आके बता देते थे कि जी फलां कमरे में खाना पीना अच्छा हो रहा है, तो ये जाते थे उसी तरह सिगरेट और उसी तरह बाल परेशान करके नॉक किया, अंदर से कोई साहब निकले तो उनसे कहा माचिस है आपके पास, उनको कादरी साहब आए अंदर आए। चुनांचे वो कहते हैं कि बड़ा अर्सा उन्होंने इस तरह बहुत अच्छी ज़ियाफ़तें जो थी अटेंड की, और इसका एंड वही हुआ कि एक रोज़ इसी तरह गए, नॉक किया सिगरेट मुंह में और कहे भाई माचिस होगी आपके पास, तो उन साहब ने कहा कि तुम्हें कोई बिहेव करना चाहिए, क्यों आप डिस्टर्ब करते हैं प्राइवेसी में। वो माचिस ला के अंदर माचिस दे दी, दैट वाज द एंड ऑफ इट। लास्ट टाइम कादरी को मैं मिला, सड़क पे जा रहा था, यावर हयात उन दिनों हयात थे, उनसे मिलने जा रहा था। बड़ा खुश हुआ, कहने लगा यार मुस्तनसर एक फिल्म बनाते हैं उसमें मैं तुम होंगे, वो बड़ी सुपरहिट होगी, मैं कोई फाइनेंसर ढूंढ लूँगा, वो देखो ना हम प्ले करते हैं ये करते हैं, सब पाइप ड्रीम्स थे। वो ख़त्म हो गया था सिलसिला, उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि इन दिनों में कहाँ है। कदरे तवक्कफ फरमाइए। शुक्रिया आपने तवक्कफ फरमाया। ख़वातीन हज़रात, वो एक बूढ़ा दास्तान बैठा हुआ है, आपको शोहरत की दास्तानें सुना रहा है। बहुत सारे लोग जो खुशनसीब होते हैं उनकी शोहरत ज़रा एक्सटेंड हो जाती, थोड़ी बहुत चलती है आखिर तक, और उन्हें कुछ ढारस बंधी रहती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत काम किए होते हैं और मुकम्मल तौर पर गुमनामी में चले जाते, उनकी हालत ज़रा देखी नहीं जाती। मैं इसी सिलसिले में एक दादी किस्सा ही है जो मुझ पे गुजरी है, वही मैं आपको सुनाता हूँ कि पीटीवी में याकूब नासिक हमारे दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त प्रोड्यूसर थे, तो यार दोस्त मिजाक में उन्हें याकूब नाकस कहते थे, लेकिन ही वॉज़ अ गुड मैन, अच्छा शख्स था। तो मैं और वो हमने एक प्लान किया एक सिलसिला प्रोग्रामों का पंजाबी में, उसका नाम रखा फोकस पंजाब, और उसमें हमने बुलाए हील पढ़ने वाले, और उसके बाद जो पुराने मेलों ठेलों में एक्टिंग करते थे उस किस्म के लोग, अननोन लोग बुलाए, कोई वीआईपी नहीं था उसमें। तो एक रोज़ मैं गया स्टूडियो में तो वहाँ पे एक खातून बैठी हुई और बूढ़ी सी थी और बड़े मामूली से कपड़े, पहले मैंने सोचा कि शायद सफाई करने वाली हैं टीवी स्टूडियो के और थक गई हैं बैठ गई हैं, मतलब शी लुक्ड सो ऑर्डिनरी। तो मैंने याकूब से पूछा, मैंने कहा ये कौन है, कहेंगे इनसे आज इनका इंटरव्यू आपने करना है। मैंने कहा ये हैं कौन, कहेंगे आपसे बात कीजिए आपको मालूम हो जाएगा। रिकॉर्डिंग शुरू हुई, थोड़ा बहुत मैं जानता जो उन्होंने बताया, सरसरी सा, उनका नाम था हमीदा बानो।
मैंने कहा अच्छा अमीदा आप क्या क्या करती रही हैं ज़िंदगी में। कहने लगी देखें मैं लाहौर की रहने वाली हूँ और मुझे और मेरी बहन को बहुत शौक़ था गाने का, पुरानी बात है, तो हम दोनों बहनें कलकत्ता चली गईं। तब पृथ्वीराज थिएटर कलकत्ते में हुआ करता था तो हमने वो ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा पृथ्वीराज कपूर का थिएटर? कहने लगी जी हाँ, वहाँ भी हम एक्टिंग भी करती थी गाती भी थी। तो मैंने कहा एक्टिंग किसके साथ की? राज साहब के साथ की, शशि साहब के साथ की, वो सारे कपूर्स के उसने नाम लिए। अच्छा मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये जो ऑर्डिनरी सी खातून है ये किस तरह पृथ्वीराज कपूर के थिएटर्स में कोई काम करती रही है, चाहे छोटा मोटा ही काम हो लेकिन बहुत बड़ा थिएटर था। फिर कहने की जी मैं फिर उसके बाद बॉम्बे आ गई और बॉम्बे गाती रही। मैंने कहा किन के साथ गाया? कहने की जी सोलो गाए हैं तकरीबन 100 गाने। मैंने कहा हिंदुस्तानी फिल्मों के प्री पार्टीशन? उसने कहा जी हाँ बिल्कुल। मैं किस किस के साथ गाया? उसने तमाम अमीर भाई कर्नाटकी, खुर्शीद, लता जी, मगर यू नेम इट, गीता दास। मैंने कहा किन किन मौसीकारों के साथ काम किया? वो भी एक लंबी लिस्ट थी, अनिल विश्वास और उसके बाद जितने भी बर्मन वगैरह हैं, जितने नाम नौशाद साहब के नाम लिए। तो मैंने कहा कि आपका कोई गाना हिट हुआ? कहने लगे जी एक गाना था और उसके बोल थे बदरिया बरस गई उस पार। खौदीन अज़ा जब मैंने ये सुना है मैंने कहा आपने गाया? उनके जी मेरे साथ खुर्शीद थी घटागन गोर गोर वाली और मुकेश थे, लेकिन मेन मैं थी गाने वाली। मैं एक सन्नाटे में आ गया कि क्या ये वही औरत है जिसने बदरिया अपना बरस गई उस पार गाया है? क्योंकि मेरी वालदा साहब का साहिबा का एक चचा होता था, उसको मैंने बख्श जहाँ के रूप में पेश किया अपने नावल खसो खाशाक जमाने में। तो वो एक छोटी सी हवेली थी, उसका मतलब खंडर सा था, आखिरी उम्र में मैंने देखा, मैं 7-8 साल का था, और वो वहाँ बैठ के सुबह एक अफीम की गोली खाई ऊँग रहे होते थे, बच्चों को गालियाँ दे रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं। बहुत खूबसूरत शख्स था, पटे लंबे लंबे सुनहरी और नाक बड़ी तिरछी और ब्लू आँखें, और उसकी एक कमरा हवेली का जो था खंडर नुमा था उसके अंदर उसके पास एक पुराना ग्रामोफोन था वो सुइयों वाला। और मैं जब भी जाता था उसको देखने के लिए या वैसे झांकने के लिए तो अंदर से उस खंडर में से आवाज आ रही होती थी बदरिया बरस गई उस पार। तो मैं इसलिए आया कि मैंने कहा कि अच्छा ये चाचा जहान खान या बख्श जहान जो था ये इस औरत को सुनता रहा और मैं उससे फैसिनेट होता रहा। तो मैंने जाहिर है कि मैं उसके बाद उन्होंने और बातें शुरू कर दी। फिर उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान आ गई, यहाँ पे सिवाय नूरजहां साहिबा के और किसी ने मेरी मदद नहीं की। और बाद में मुझे मालूम हुआ कि एक्चुअली मेरा तो तजर्बा नहीं है फिल्मी दुनिया का कि वहाँ भी मुख्तलिफ डोमिनेशन होती है मुख्तलिफ लोगों की, वो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हों, लाइट मैन हों, कैमरा मैन हों, कोई भी हो, ग्रुप्स होते हैं, माफिया तो नहीं उन्हें कह सकते। तो उन ज़मानों में दो टॉप की सिंगर्स थी, ज़ुबैदा खानम और कौसर परवीन, आशा भोसले की बहन थी। आशा भोसले जो थी वो गाती भी थी और वो बाद में पंजाबी फिल्मों में भी आई, लेकिन पाकिस्तान की जो पहली फिल्म थी उसकी पहली हीरोइन आशा भोसले थी। चुनाचे शायद उनकी वजह से भी वो कामयाब ना हो सकी और वो गुमनामी में चली गई। एक और बात मैं अर्ज़ कर दूँ आपको कि उनका एक गाना था उनका इशारा जान से प्यारा, उसको नैयरा नूर ने दोबारा गाया। और डेफिनेटली आपने अगर नैयरा को पसंद करते हैं, और कौन है जो नैयरा को पसंद नहीं करता, उसने गाया और उसको फिर रिवाइव कर दिया। ये हमीदा बानो का गाया हुआ था। प्रोग्राम जब ख़त्म हुआ है तो मुझे वो कहने लगी बड़ी शर्मिंदगी से, कहेंगे तार साहब इस प्रोग्राम का चेक कब मिलेगा? मैंने कहा वो प्रोड्यूसर साहब ने वो भेज देते हैं जो है बजट, तो 4-5 दिन तो लगेंगे। तो मैंने देखा कि परेशान हो गई। मैंने कहा खैरियत? कहने लगी जी वो मेरे पास रिक्शे के पैसे नहीं हैं। तो मैंने कहा आप रिक्शे पे क्यों जाएंगी, आप टीवी की गाड़ी जाएगी? कहने लगी नहीं, जहाँ मैं रहती हूँ
वहाँ गाड़ी नहीं जाती, वो तंग गली है। तो ये होता है हाल कि एक बदरिया बरस गई उस पार गाने वाली जो है, या बाकी 100 उसने सोलो गाने गाए हैं, हर म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ काम किया, लेकिन नसीब ऐसे थे कि आखिर में सारा कुछ धुंध में चला गया और रिक्शे के पैसे नहीं थे। मैं यही सोचता रहा, उस प्रोग्राम की वजह से शायद उसके बाद एक दो जगह उसको इनवाइट किया गया, लेकिन फिर वो मेरा ख्याल 2006 में इंतकाल कर गई। हम अभी गए हैं ना, तो अभी आ भी जाएंगे। मैंने कहा था ना कि अभी गए और अभी आए, आ गए। एक शख्सियत ऐसी जो बहुत मशहूर थी, बहुत शोहरत याफ्ता थी, और जब शोहरत छिन गई तब भी वो शख्सियत पुरवकार रही और उसने उस शोहरत को मिस नहीं किया, सिर्फ एक, और उसका नाम था रागनी। और पूरे बरसगीर में आहू चशम रागनी कहलाती थी। और मतलब कि जो मैखाने से बच निकलता है तेरी आंखों में डूब जाता है, ऐसी आंखों वाली रागनी। और हिंदुस्तान में तो जाहिर है कि उसने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, उनमें से एक का हवाला मैं देना चाहता हूँ। जनरली जाहिर है कि हम पे भी म्यूज़िक का थोड़ा बहुत असर होता है, तो बारिश के या बादलों के हवाले से 3-4 गाने ऐसे हैं जो समा बांध दे, यानी धूप हो कड़ी और उसमें वो गाना बजे तो मैं भीगने लगता हूँ उन बादलों में। एक तो है तो घटा गन घोर घोर, शोर मचाए मोर, मोर सजन आजा, खुर्शीद का। और उसके बाद रुम जुम बरसे बादरवा, मस्त घटाएं आईं रतन। उसके बाद सावन के बादलों, उनसे ये जा कहो। और उसके बाद कमाल का जो है वो खुर्शीद अनवर का है, रिम जिम पड़े फवार, तेरा मेरा नित का प्यार। मौसीकी के साथ तो आप उस फवार से भीग जाते हैं, ये मौजे होते हैं बड़े कंपोजर्स के। लेकिन एक और गाना जिसमें बड़ी मतलब एक अजमत है और एक रॉयल्टी है, वो है जब उसने गेसू बिखराए बादल आया झूम के, शमशाद बेगम ने गाया हुआ शाहजहान में। और आप देखें कि जब ये गाना चल रहा है तो रागनी जो है मलका हिंदुस्तान के तौर पर बैठी है और वो उस गाने को सुन रही है, उसकी तमकनत देख। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि वह शख्सियत जिसकी तमकनत और अजमत और वक़ार शोहरत ख़त्म होने के बावजूद बाकी रहा, रागनी बाद में पाकिस्तान आ गई, बहुत सारी फिल्मों में काम भी किया, लेकिन जाहिर है कि वो जवानी, वो अरूज का ज़माना गुजर चुका था। और मुझे नहीं मालूम कि उनके क्या सरकमस्टांसेस हुए, लास्ट टाइम जो उनकी खबर आई, उनको देखा तो गुलबर्ग का जे ब्लॉक, तब मैं वहीं रहता था। उसके साथ वॉटन एयरपोर्ट पर एक कच्ची आबादी डेवलप हो गई थी भुट्टो साहब के ज़माने में, तो कॉलोनी बन गई, तो उसको धक्का कॉलोनी कहते थे, क्योंकि जिस किसी का जोर लगा उसमें बना ली। बाद में उसको ज़रा ऑफिशियल करके उसको इन दिनों मक्का कॉलोनी कहा जाता। तो उसके एक गली में, एक छोटे से कमरे में, प्लस्तर उतरा हुआ दीवारों का, फर्श उखड़ा हुआ है, शतीरों में से घुन है, और एक बहुत बड़ा पलंग है, और उसके ऊपर रागनी बैठी। अब वो बूढ़ी हो चुकी हैं, लेकिन यकीन कीजिए कि उनकी आंखों में अब भी वही कशिश, उन्हें डूब जाने को जी चाहता है। और उनकी जो सिपाही है, मैंने नोट किया कि वहाँ पे फ्लास्क नहीं है, आम जो मिनरल वाटर की बोतल होती है वो है, और उसके साथ एक गिलास रखा है, जिससे अंदाज़ा होता है कि वो किस हाल में थी। लेकिन उन्हें कोई गम नहीं था, वो उसी तरह शोक और मतलब है कि जिस तरह मैंने कहा कि पुरवकार तरीके से बात कर रही। तो पूछा गया कि आपको पूरा बरसगीर जानता था, अब कम लोग जानते हैं, तो बड़ी रॉयल्टी की तरह बात करती थी कि हम तो, उन्होंने कहा भाई ये कोई हमेशा थोड़ा रहता है, अल्लाह का शुक्र है कि उसने
ये कमरा दिया हुआ, मैं बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, मुझे कोई किसी से कुछ शिकायत नहीं है। और आवाज़ भी बड़ी गंभीर थी उनकी। तो उनसे पूछा गया कि आपकी एक बेटी है वो कराची में रहती, तो आप उनके पास क्यों नहीं चली जाती? तो बेटी अच्छी वेल ऑफ थी। अच्छा, कहने लगी देखें वहाँ मेरा कोई नहीं है जो मुझे जानता हो, यहाँ स्टूडियोज़ हैं, बहुत से पुराने अदाकार हैं, वो मुझे जानते हैं, मैं जब मरूँगी तो कम से कम मुझे कांधा तो देने आएंगे, वहाँ मुझे कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। उसके मेरा ख्याल है 2 साल के बाद बहुत हो गई, लेकिन आज भी मुझे उनकी तमकनत याद। इंतज़ार की कैफियत बहुत खूबसूरत होती। इंतज़ार ख़त्म हुआ। शोहरत से गुमनामी तक का जो सफ़र, उसकी एक और दास्तान आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मुझे यकीन है कि आप एक दास्तानवी अदाकारा और गुलकारा को जानते होंगे, नहीं जानते तो आप बदकिस्मत। उसका नाम था सुरैया। सुरैया गुजरांवाले की रहने वाली थी, सुरैया शेख उनका नाम था, और बहुत नाम कमाया उन्होंने बम्बई में। और उन ज़मानों में वो वाहिद ऐसी खातून थी जो एक्टिंग भी कमाल की करती थी, शक्ल भी कमाल की पाई थी, और ग्लूकारी भी कमाल की करती थी। शी वॉज यूनिक इन दैट। मलका तरन्नम नूरजहाँ अभी आई नहीं थी, मतलब उस फील्ड में उस तरह जिस तरह वो थी। चुनाचे सुरैया ने बहुत सारे गीत गाए, मिर्ज़ा गालिब शायद आपको याद हो, जिसमें मिर्ज़ा गालिब की गज़लें, रही है अब ऐसी जगह चल के जहाँ कोई ना हो वगैरह, 3-4 गज़लें। इसी तरह और उनके बहुत सारे गीत मशहूर हुए, जिनमें खुर्शीद अनवर की तरतीब शुदा जो है धुन, पापी पपीहा रे पीपी ना बोल बैरी पीपी ना बोल। एक और गाना उनका, मन मोर हुआ मतवाला रे ये किसने जादू डाला रे। आप उस गाने को अब सुने, वो वाकई जादू भरा गाना है। और इस तरह के सैकड़ों गाने कहाँ तक शुमार किए जाएं। तो वो मतलब कि जो हॉलीवुड के एक एक्टर थे, आप उनसे वाकिफ होंगे, ग्रेगरी पैक, क्योंकि वो मुख्तलिफ फिल्मों में मतलब कि गन्स ऑफ नेवरॉन वगैरह में आए। तो सुरैया का उनके साथ अफेयर नहीं था, ये उनकी मद्दा थी। तो एक मरतबा वो कहीं जाते हुए बॉम्बे एयरपोर्ट पर रुके, और उन्होंने सुरैया को फ़ोन किया, और सुरैया वहाँ पहुँच गई। बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ, बड़ी बात थी उस ज़माने में कि हॉलीवुड का इतना बड़ा एक्टर जो है वो सुरैया के लिए वहाँ ठहर गया। लेकिन सुरैया की नानी साहिबा बहुत सुना सख्त थी, और आप जानते हैं कि उन दिनों कम से कम ये बहुत रिवाज था कि नानी या वालिद साहब या कोई ना कोई इस किस्म का बुज़ुर्ग, पता नहीं वो असली होता था या वैसे होता था, वो हमेशा मशहूर एक्ट्रेसेस के साथ मतलब कि निगहबानी के तौर पर मुतय्यन होता था। तो नानी के बारे में मशहूर है कि देवानंद साहब शादी करना चाहते हैं सुरैया, लेकिन वो नानी की वजह से कामयाब ना हो सके। सुरैया के हवाले से एक बिल्कुल, मैं आपको सही, मेरा ख्याल कहीं भी ये दर्ज नहीं है वाक्या, ना सिर्फ मैंने इसको पढ़ा बल्कि मैं ऑलमोस्ट इसका विटनेस भी हूँ। उन ज़मानों में क्योंकि ये टीवी वगैरह तो होता नहीं था, ना को अखबारों रसालों में बहुत ज़्यादा तस्वीरें छपती थी, एक आध रसाला छपता था, चुनाचे लोगों के लिए जो सर था एक्ट्रेसेस का वो बिल्कुल डिफरेंट था। मतलब एक लोग इश्क में मुब्तला हो जाते थे, खुदकुशियाँ कर लेते थे, उनकी कॉपी करते थे। मुझे याद है कि भाई मेरे मामू अल्लाह बख्शे, तो उनको पता नहीं कौन सी फिल्म में मधुबाला ने कोई पहना हुआ था सेट सोने का, तो उनको पसंद आ गया, ज्यूलर को साथ लेके जाते थे हर शो में, वो कॉपी करता था। 8-10 शो देखने के बाद वो कॉपी हुआ, वो अपनी बेगम को उन्होंने पहनाया जो कि मेरी मामानी जान थी, और फिर पूरे लाहौर में शोरा हुआ कि इन्होंने वो सेट पहना हुआ जो मधुबाला ने फलां फिल्म में पहना। मतलब ये फैसिनेशन थी। चुनाचे उन्हीं ज़मानों में एक दर्जी हुआ करता था लाहौर में, लोहारी दरवाज़ा जो है उसके बाहर, छोटा सा उसकी थी दर्जी खाना, एक आध मुलाज़म भी काम करता, मसूफ सुरैया पे आशिक था। और उनके दर्जी खाने में या छोटी सी कोठरी में हर तरफ सुरैया की तस्वीरें जो भी उनको मिली वो चिपकी हुई थी।
ये तो खैर एक नॉर्मल बात है, उन दिनों ऐसा होता था, हम भी जमा करते थे एक्ट्रेसेस की तस्वीरें, ये बाद में तذکرہ करें। असल में हर साल वो बारात लेके सुरैया को ब्याहने जाते थे बम्बई, और बाकायदा बरी जो बनाते हैं दुल्हन के लिए कपड़े, वो खुद अपने हाथों से तैयार करके 5-7 जोड़े वो तैयार करते थे, और अंदर कोई बाबू बैंड टाइप को उसके दोस्त भी थे, उनको कहते थे कि भाई सुरैया के साथ शादी करने जाना है, उनको पता होता कि मसूफ हर साल जाते हैं, तो वो भी शोल मेले के लिए साथ बम्बई पहुंचना, सुरैया का जो भी बंगला जो भी घर है उससे 1 किलोमीटर के फासले पे बैंड बज रहा है और दूल्हा बन के चले जा रहे हैं। वहाँ जाके उन्होंने जो गार्ड्स हैं उन्होंने पूछा कि हाँ भाई क्या बात है, उन्होंने कहा मेरी दुल्हन अंदर बैठी हुई है, ब्याहने आया हूँ। चुनांचे उन्हें मुनासिब तौर पर जदोकोब किया जाता, और वो जदोकोब होकर ठंडे ठंडे वापस लाहौर आ जाते, लेकिन अगले साल फिर वो बारात बनाते और फिर सुरैया को ब्याहने चले जाते। ये इस किस्म की उनकी फैन फॉलोइंग थी। सुरैया के हवाले से एक डॉक्टर आदिल है हमारे दोस्त, बहुत ज़्यादा जानते हैं इन चीज़ों के बारे में, सिनेमा म्यूज़िक वगैरह, तो उन्होंने बताया था, कहने लगे कि वो गए बम्बई, और जाहिर है कि जो पुराने लोग जब वहाँ जाते हैं तो वो पुराने शेरों को ही ढूंढते हैं, मतलब हमारे ज़माने के तो चेहरे ही नहीं ना वापस रहे, कहीं नहीं रहे, ना अदब भी नहीं रहे, फिल्म में भी नहीं रहे, हम रहे ना रहे पता नहीं क्या सिलसिले आगे। तो उनको सुरैया याद थी, वो चाहते थे सुरैया को मिले, तो मालूम किया कि जी फलां बिल्डिंग है वहाँ पे एक फ्लैट है, वहाँ वो रहती हैं, बहुत कम लोगों से मिलती हैं। तो ये आदिल साहब वहाँ पे पहुँचे, उनका कहना है कि नीचे जो था डेस्क क्लर्क जिसके पास फहरिस्त होती कौन किस जगह है और चाबियाँ वगैरह, उसने बताया कि फ्लैट नंबर फलां है, और उसको कुछ ठीक तरह से पता नहीं था कि ये वो सुरैया है जो बहुत मशहूर होती थी, शी वॉज जस्ट ए टैलेंट। तो ये गए वहाँ पे, दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से उनकी मुलाजमा ने पूछा, इन्होंने शायद ये कहा कि मैं लाहौर से आया हूँ उनसे मिलना चाहता हूँ, ने बिठाया। उनका कहना है कि वो बड़ा सारा एक कमरा था और उसमें कद आदम तस्वीरें सुरैया की लगी हुई थी ब्लैक एंड वाइट, और सारा उसका रीगल जो एक पोस्चर होता था, क्योंकि सुरैया जेवर बहुत पहनती थी, उस जेवर के साथ और जवानी की जाहिर तस्वीर, और उसके बाद वो उसी तरह के लिबास में, जर्क बर्क लिबास में और जेवरात से लदी फंदी वो आई, जाहिर है वो एक बूढ़ी औरत थी, वो हुसन जवानी तो सदा नहीं रहते ना, लेकिन ड्रेस उन्होंने उसी तरह किया हुआ था। वो बैठ गई, इन्होंने जो बातें करनी थी की, उन्होंने भी थोड़ी, लेकिन वो थोड़ी सी जाहिर है हवास वक्ता थी थोड़ी सी, बुढ़ापा ऐसा कर देता, मेरा ज़ाती तजर्बा, मैं यहाँ जब रिकॉर्डिंग करवाता हूँ तो मैं इनसे पहले माजूद कर लेता हूँ कि मैं थोड़ा सा हो गया हूँ तो ज़रा मेरी एहतियात कीजिएगा कोई गलती हो गई। तो जब वो उठने लगे तो उनसे कहने लगी कि मैं बाहर नहीं जाती, और बात यही हुई शोहरत की कि जी, तो उन्होंने कहा मैं तो अब भी मेरे लाखों फ़ैन हैं और मैं बाहर इसीलिए नहीं जाती कि जब मैं बाहर निकलती हूँ तो ये जो बरामदा है ये भरा होता है लोगों से, मैं किस किस को मिलूँ। तो आप ये कीजिएगा कि आप बाहर जाएंगे और वहाँ पे एक हजूम होगा, मैं उसे मिलने आए हैं लोग, मैं उनकी कदर करती हूँ उनकी मोहब्बत की, लेकिन किन किन से मिलूँ। तो आप उनको ये कह दीजिएगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तरफ से माजरत कर दीजिए। डॉक्टर आदिल का कहना है कि जब मैं बाहर आया हूँ पूरा बरामदा वीरान पड़ा था, बाएँ बाएँ कर रहा था, ये सब फैंटसी सुरैया के जहन में चल रही थी कि अभी तक वो सब लोग मौजूद थे। सुरैया का बहुत सारे गाने मुझे पसंद हैं, लेकिन एक उनकी नात जो मुझ पर बहुत असर करती, बल्कि रौज़ा-ए रसूलुल्लाह सल्लम की जाने बढ़ते हुए जो चंद चीज़ें मेरे जहन में आई उनमें सुरैया की ये नात भी थी, बीच भंवर में आन फंसा है दिल का सफीना शाह मदीना।